चाहे बगानों में भी बाहर से आए हुए सैकड़ों प्रवासी लोगों को कोविड 19 के कारण क्वारंटाइन किया गया है। कोविड 19 कोरोना महामारी के चलते हमारे बस्ती निरुपानिया गांव में भी बाहर से आए हुए सैकड़ों लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। पिछले 20 मई 2020 से चालू की गई इस क्वारंटाइन में अब तक संक्रमण की कोई टेस्ट नहीं किया गया है। हम लोग जयपुर गए थे, जयपुर राजस्थान। क्या काम करते थे वहाँ? हम लोग होटल में काम करता था, होटल लाइन पे। वहाँ से आने में तो हम लोगों को बहुत तकलीफ हुआ। हम लोगों को तकरीबन 8,000 भारतीय रुपया देना पड़ा एक आदमी का। यहाँ पे तो अभी सभी ठीक है, लेकिन हम लोगों का कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव वो चेकअप नहीं हुआ है अभी तक। टेस्ट नहीं हुआ है? टेस्ट नहीं हुआ। क्यों? वो तो हम लोग जैसे वहाँ रोहिणी गेट्स में आके जैसे कागज दे दिया, वहाँ थोड़ा मोड़ा चेकअप किया तो हम लोग सीधे इधर आ गया। मारापुर चाय बागानों में भी बागानों के बीचों बीच दो युवक को रखा गया है। इसी तरह जबड़ा चाय बागान में कुछ युवक युवतियों को क्वारंटाइन किया गया है। पहले तो शुरू दिन थोड़ा दिक्कत परेशानी हुआ, अभी फिजिल में कितना दिन बाद में तो अभी ठीक है, वैसा असुविधा कुछ नहीं हो रहा है। हर दिन केवल थोड़ा असुविधा हुआ। कैसे असुविधा हुआ? इधर उधर रात में अंधेरा में अकेले रहने में प्रॉब्लम पड़ रहा था। उसके दो तीन दिन के बाद में लाइट उट लगा के यहाँ पे रखा गया, बाहर में स्कूल दुकान के सामने रखा गया था। अभी फिलहाल इसके लिए मतलब व्यवस्था किया गया है। ये फर्स्ट में क्वारंटाइन के लिए बाहर से यही लड़का आया था, तो इसके लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम हुआ। गांव के जो ग्रामवासी हैं इन लोग को समझाते बुझाते थोड़ा सा बहुत टाइम भी लग गया। और इनको सबसे पहले मेरा विचार था कि स्कूल का जब तक परमिशन नहीं होता तब तक के लिए अपना घर में एक रूम में मतलब क्वारंटाइन होने के लिए, लेकिन गांव का ग्रामवासी जो आस पड़ोस के हैं वो नहीं माने, तो उसके चलते मतलब इनको दो दिन के लिए दुकान घर के सामने मतलब प्लास्टिक लगा कर रहना पड़ा मजबूरन। लास्ट में वीडियो से बातचीत करके हम स्कूल में उसको क्वारंटाइन के लिए रखा है। GTA के क्वारंटाइन संचालक विदुर छत्री जी से बात करने पर वे कहते हैं, देखिए ये विशेष GTA के तरफ से निर्वाणी में एक हेल्प डेस्क खुला हुआ है। जितना भी ये अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पीछे में जो क्वारंटाइन सेंटर है, हाई स्कूल में क्वारंटाइन खोला गया है GTA की तरफ से और पानीगढ़ा पुलिस के सहायता से। यहाँ का जितना भी निर्वाणी में लोकल हमारा कम्युनिटीज है, समाज है, उन लोग को मिला के क्वारंटाइन सेंटर खुला हुआ है। जितना भी यहाँ पर सुविधा का ये लोग को ले जो सुविधा देना है निर्वाणी के टोटल जो समाज है उन लोग की तरफ से इन लोग का सुविधा मिल रहा है। और प्रत्येक दिन का जो खाना का आइटम है वो यहाँ का निर्वाणी का 17 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो प्रत्येक दिन वो लोग आके टर्न वाइज करके यहाँ का खाना बना के उन लोग को खिला रहा है। अभी जो यहाँ पर हम लोग का 18 है टोटल, हम लोग का क्वारंटाइन सेंटर में 24 बाहर से आए हुए हमारा दादू भाई दीदी बहनी है, और एक तो होम क्वारंटाइन है जबड़ा में, वहाँ पर 9 एक तो फैमिली और 4 आदमी हम लोग का गाँव का ही है। वो लोग को लेकिन कोई असुविधा नहीं है, जो सुविधा है गांव के आदमी सब मिलके उनको सुविधा प्रदान कर रहा है। इतना जल्दी हो सके हमारा कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका टेस्ट करा दीजिए और जल्द से जल्द हम लोग घर रवाना हो जाए। मैं राजकुमार रिजाल, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग से इंडिया अलर्ट के लिए।